6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जब आप मकान बनाने चलते हैं तो आप लाखों रुपए की जमीन खरीदते हैं, और लाखों ही रुपया, मैं केवल लाखों में ही बात कर रहा हूं, करोड़ों भी लगते हैं, लेकिन कितना ही पैसा, अनगिनत पैसा आप मकान के अंदर लगाते हैं। और मकान में लगाने का मतलब है कि हम इस मकान को बनाएंगे, हम यहां पर सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे, यानी सुखी रहेंगे, ये सोच करके आप मकान बनाते हो। लेकिन मकान बनाते बनाते या बनाने बनाने की योजना के अंदर कभी हम भूल कर बैठते हैं। और भूल क्या कर बैठते हैं, जब भी हमने मकान बनाया तो हम मनमाने ढंग से जो है मुहूर्त निकाल लेते हैं। मनमाने ढंग का मतलब, अभी शुक्रास्त चल रहा है और 10 मई को अक्षय तृतीया थी, लोगों ने कहा जी इस दिन बना लें। अरे भाई, ये मुहूर्त नहीं है कि ये तो जो है अनसूझ है, तो अनसूझ हर काम के लिए नहीं होता। तो हर किसी तिथि में या हर किसी महीने में या हर किसी पर्व के अंदर मकान बनाना शुरू नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत चीजें देखनी पड़ती है। महीना कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, जमीन सो रही है या जाग रही है। अब कई लोग तो जो है इस प्रकार से कमेंट कर देते हैं कि भूमि भी कभी जागती सोती है। भाई, जब आपको इन विषयों का ज्ञान नहीं है तो क्यों बिना काम बीच में तुम पंगा लेते हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि धरती जागती है या सोती है या रोती है या हंसती है। तो यहां पर इन बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं किन किन महीनों में मकान नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहला महीना होता है हमारा, आप सोच रहे होंगे शायद जनवरी के लिए बोलेंगे, लेकिन नहीं, जनवरी हमारा पहला महीना नहीं है। हमारा पहला महीना होता है चैत्र। तो चैत्र में अगर मकान बनाओगे तो वहां पर हमेशा चिंता में ही मग्न रहोगे। चैत्रे व्याधि मवापनोति, चैत्र में जो है व्याधियों की प्राप्ति होती है। बिना काम की व्याधियां, बिना काम के रोग, कभी किसी को एक रोगी ठीक होता है, दूसरा रोगी जो है वहां पर खड़ा हो जाता है। आप सोचते हो हमारे घर में जाने किसी ने क्या कर दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है, गलती आपकी है जो आपने चैत्र के महीने में मकान बनाया। यानी मकान बना तो सकते हैं लेकिन नींव नहीं लगानी चाहिए। अगर एक दफा नींव लग गई शुभ मुहूर्त में तो बनाते बनाते आप कभी तक भी जा सकते हैं। दूसरे एक है ज्येष्ठ का महीना। तो ज्येष्ठ के महीने में होता क्या है, क्या नुकसान होता है, मृत्यु मवापनोति। ज्येष्ठ के महीने में जो मकान बनाया जाता है उस मकान में प्रायः अशुभ ही घटनाएं घटती है। और कौन चाहेगा, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरा जितना परिवार है आगे बढ़े, घटे नहीं। लेकिन अगर आपने ज्येष्ठ में मकान बना लिया तो इन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और तीसरा है, कौन से महीने में मकान ना बनाए, वो है भाद्रपद, जिस महीने में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, यानी जन्माष्टमी जिस महीने में आती है, उस महीने के अंदर मकान नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि भाद्रे अवरोध मापन होती है, भाद्रपद के महीने के अंदर अगर आपने मकान बनाया तो हर काम में अवरोध। पहली बात तो मकान पूरा नहीं होगा, मकान पूरा हो गया तो उसके अंदर भी क्या है, कभी लेबर नहीं है तो कभी ठेकेदार नहीं है तो कभी हमारे पास पैसे नहीं है तो कभी और अवरोध, तो कभी पड़ोसी ने अवरोध उत्पन्न कर दिया, कभी किसी ने किसी प्रकार का अवरोध यानी रुकावट
उसके अंदर अवश्य होती है। इसलिए भाद्रपद के महीने के अंदर भी मकान आप ना बनाएं। अब उसके बाद में आता है आश्विन, जिस महीने में नवरात्रे आते हैं, जिस महीने में श्राद्ध आते हैं, जिस महीने में दशहरा आता है, तो उस महीने के अंदर भी मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री रुष्टाच, उस महीने के अंदर अगर आपने मकान बनाया तो उस मकान में रहने वाली स्त्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती। अब संतुष्ट तो कारण कई हो सकते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो सकती। कमाई से संतुष्ट नहीं, स्वास्थ्य से संतुष्ट नहीं, धन से संतुष्ट नहीं, किसी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं, वहां पर किसी न किसी प्रकार का कलह जो है वो बना रहता है। इसलिए आश्विन के महीने के अंदर मकान मत बनाइएगा। और उसके पश्चात आ जाता है पौषे, पौष का महीना, ये लगभग जनवरी के महीने के आसपास में पड़ता है। तो उस समय पर अगर आप मकान बनाते हो तो तस्करो यस्य, वहां पर चोरियां होती हैं उस मकान के अंदर। चोरी घर वाले भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं, पड़ोसी भी कर सकते हैं, कभी डाका भी डल सकता है। तो ये स्थितियां वहां पर, इन स्थितियों का सामना हमको अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। इसलिए इन पांच महीनों के अंदर, जो पांच महीने हमने बताए, चैत्र का महीना, ज्येष्ठ का महीना, भाद्रपद का महीना, आश्विन का महीना और पौष का महीना, ये पांच महीने हैं, इनके अंदर मकान मत बनाइए। बाकी जितने बचे हुए महीने हैं उनके अंदर शुभ मुहूर्त देख करके और शुभ विधि से, पूर्ण विधि के साथ में किसी विद्वान के द्वारा आपको जो है शिलान्यास करनी चाहिए, नींव लगवानी चाहिए और जीवन में सुख पाना चाहिए। बाकी और जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और जो भी आप किसी भी विषय में जानना चाहते हैं वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। 6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के, और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के, और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं।